और मित्रों नमस्कार, मैं डीबीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एक धोखाधड़ी का मामला देखा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों से जो धरना चल रहा है उसके नाम पर, या फिर आपका जो पे कमीशन है उसको बढ़ाने के नाम पर, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक्स ग्रुप और के मतलब बराबर पेमेंट दिलाने के नाम पर यहाँ पर ठगी करी जा रही है। तो इस संदेश को हम पढ़ लेते हैं और यहाँ पर इस सब को हम शेयर करते हैं जिससे कोई भी ठगी का शिकार न हो। कैसे एक पूर्व सैनिक की संस्था अपने ही पूर्व जवानों को मूर्ख बनाया और पैसा अपनी संस्था के नाम से पर्ची काट कर रख दिया। अब पोल खुल गई तो कह रहे हैं कि अपना प्रूफ लाओ और हमारे आईडी हेड को दिखाओ और पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हर तरफ इस संस्था की थूथू हो रही है और काफी समय से इसी तरह जवानों के केस के नाम से चंदा इकट्ठा कर रही है, पर केस किया नहीं और जो पैसा आया अपने पास किया। उदाहरण के तौर पर लास्ट रैंक पे पर केस करने का वायदा किया और देश के 80 से 90 जवानों से यहाँ पर 2100 रुपये प्रति जवान के हिसाब से अकाउंट में रख लिए, मगर केस किसी पूर्व सैनिक ने अपने नाम से खुद किया था। वो केस जीत गया और सभी को उसका लाभ पहुंचा, पर इन साथ लोगों ने किसी का भी पैसा वापस नहीं किया। इसमें सबसे ज्यादा जो पूर्व सैनिक फंसे वो राजस्थान और तेलुगु स्टेट्स के थे। उसके बाद भी केस के नाम से ऑनरी कमीशन लोगों को 5000 रुपये प्रति व्यक्ति के लिए, और वो भी पूरा टकार गए। अब यह संस्था एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों का बराबर एक्स पे दिलाने का मधुर सपना दिखाकर केस का झांसा करने को दे रही है। सावधान मित्रों, अपना पैसा इन साथी लोगों को देने से अच्छा है कि आप खुद वकील करके केस लड़ें। बहुत अच्छे वकील हैं जो कि ETF में आप केस रख सकते हैं और आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। काले दिल वाले अंग्रेजों के जवानों का जो बेवकूफ बनाया है उससे तो सब वाफिक हैं। अब उसकी कसर पूरी करने के लिए या पैसे मांगने वाले जवानों की संस्थाएं जगह ले रही हैं। जहां भी पैसा दें ठोक बजाकर चेक करें और गारंटी से लें, इसके बाद फिर और पैसा नहीं मांगेंगे और केस को आखिर तक लड़ेंगे। और जब भी हम पूछेंगे तब केस के बारे में डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। इस कंडीशन पर जो भी संस्था राजी हो रही है वहां पर आप पैसे का भुगतान करें, और बेटर यही है कि आप किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को आप लोग आंख बंद करके पैसा न दें। वहां पर आपको अपना भला हित दिख रहा है, प्रूफ मिल रहा है, तो आप यहां पर ऐसा पैसे का लेन देन करें, अदरवाइज वहां पर पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर धरने के नाम पर जो भी पर्ची कट रही है उनको भी ना कटवाएं। अगर आपको धरने में कुछ भी शामिल होना है तो डायरेक्ट जाके वहाँ खर्च करें, सैनिकों की सेवा करें और वहाँ पर पानी पिलाएं, पेप्सी पिलाएं, या फिर मान लीजिए जो भी व्यक्ति वहाँ सेवा करना चाह रहा है तो वो रोटी खिलाए, खाना खिलाए, ठंडा शरबत पिलाए। तो इस तरीके से वहाँ पर सभी सैनिकों की सेवा भी होगी और आपके पैसे का सदुपयोग भी होगा। मित्रों यहाँ पर इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपसे इसी इच्छा के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, राम राम।